हेलो स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स क्या देख रहे थे ट्वेल्थ सी बी एस ईयर लॉन्ग कोर्स में इकोलॉजी यूनिट इकोलॉजी यूनिट के अंदर जो चार चैप्टर्स थे उसमें हम लोगों ने थ्री चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे पहला था ऑर्गेनिज्म एंड और पॉपुलेशन दूसरा था इको तीसरा था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तो आज हम लोग फोर्थ चैप्टर का स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज राइट डाउन हेडिंग स्टूडेंट्स इट ऑज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ईजी एंड प्रैक्टिकल टाइप ऑफ चैप्टर आप पहले से लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे इन्वायरमेंट क्या होता है इकोसिस्टम क्या होता है ये सारी चीजें आप लोग अभी तक इन तीन चैप्टर्स में पढ़ते हुए इन्वायरमेंटल इशूज का मतलब है इन्वायरमेंट में क्या क्या इशू क्रिएट हो सकते हैं और इशू कब क्रिएट होता है जब दो चीजों के बीच में कंफ्लिक्ट होता है दो चीजों के बीच में एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं बोलते ना कि मेरे और मेरे फ्रेंड में अभी इशू चल रहे वी आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर इशू का मतलब है समथिंग नॉट गुड इज हैपनिंग तो में किस तरीके से समथिंग इज नॉट गुड हैपनिंग दैट्स वाई यू आर कॉल्ड दिस चैप्टर एज एन एन एनवाटल इशू देखो हमारा इन्वायरमेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों का बना हुआ है बायोटिक का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट एंड एनिमल किंगडम एज अ होल देन ए बायोटिक कॉम्पोनेंट उसमें मेनली एयर वॉटर लैंड लिथोस्फेयर एटमोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एलोंग विदिविंग ऑर्गेनिजम कंसिटूंट द बायोस्फेयर कैसे बोला मैंने लिथोस्फेयर ज्यादा नहीं लिखेंगे काम काम की चीजें लिखेंगे इसके अंदर एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर लिथोस्फेयर दैट इज द लैंड पार्ट एटमोस्फेयर मीन्स द एयर एंड हाइड्रोस्फियर मीनस द वॉटर कंस्टिट्यूएंट द बायोस्फेयर कंस्टिट्यूएंट द बायोस्फेयर ठीक है अब ये तीनों क्या है ये तो ए बायोटिक कॉम्पोनेंट हैं इनका इंटर रिलेशनशिप किससे होगा लिविंग कॉम्पोनेंट से लिविंग कॉम्पोनेंट ठीक है अब यहां पर इन्वायरमेंटल इश्यूज का मतलब क्या है एक लाइन पढ़ते हैं एनसीआरटी की human population size has grown enormously over the last 100 years. this means there is increase in demand for food, water, home, electricity, roads, automobiles and numerous other commodities. these demands are exerting tremendous pressure on yeah, our natural resources and are also contributing to the pollution. इन्वामेंटल इश्यूज में आप एक बहुत बड़ा टर्म पढ़ने वाले हो विच इज़ एक्चुअली वेरी बिग इशू टू द इन्वायरमेंट दैट इज पॉल्यूशन पॉल्यूशन मतलब गंदा करना गंदगी फैलाना एयर को गंदा करना एयर पॉल्यूशन वाटर को गंदा करना वाटर पॉल्यूशन लैंड को गंदा करना लैंड पॉल्यूशन हम लोग अगर बात करें तो अगर हमें इकोसिस्टम में या इन्वायरमेंट में सरवाइव करना है तो हमें आपस में भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा और हमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा अब जिस तरीके से हम लोग स्पीशीज़ रिचनेस का कॉन्सेप्ट देख रहे थे या जिस तरीके से स्पीशीज़ बढ़ती जा रही हैं स्पीशीज़ बढ़ने का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं अगर आप कोई फूड खा रहे हो बहुत ज्यादा फूड खा रहे हो पर क्वालिटी इज नॉट गुड आप बीमार पड़ोगे बट इफ यू आर टेकिंग फूड इन अ प्रॉपर क्वांटिटी विथ अ गुड क्वालिटी तो आपको कभी भी डिजीज नहीं होगी यू विल बिकम हेल्दी एट ऑल टाइम उसी तरीके से अगर हमारे इन्वायरमेंट के कॉम्पोनेन्ट्स क्वांटिटी वाइज भले ही ज्यादा ना हो लेकिन क्वालिटी वाइज ज्यादा हो तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी तो क्या हो रही है स्टूडेंट्स बढ़ती जा रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज बढ़ती जा रही है उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उनका जो नंबर है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है. अब बढ़ता जा जा रहा रहा है है अब तो जैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए आपको फूड चाहिए वाटर चाहिए तो उस फूड और वाटर का रिलेशन किससे है डायरेक्ट रिसोर्सेस से फूड किससे आएगा जब आपके पास प्लांट की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी वाटर कहां से आएगा वेन यू हैव एम्पल ऑफ फ्रेश वाटर क्योंकि आप डेली एक्टिविटीज में सॉल्ट वाटर, सी या मेराइन वाटर तो यूज नहीं कर सकते ठीक है तो इको के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसोर्सेस से एसोसिएटेड हैं, और ये जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है इट एक्चुअली डिसाइड द सर्वाइवल एक्सटेंट ऑफ पॉपुलेशन तो कैसे लिखेंगे हम लोग पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेस अवेलेबल अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ओके रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं और ह्यूमन बींग्स इन रिसोर्सेज को यूज भी कर रहे हैं पर ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा अनप्लान्ड वे में यूज कर रहे हैं अनमैनेज वे में यूज कर रहे हैं पूरी अच्छी तरीके से वो उन रिसोर्सेज को नहीं यूज कर रहे हैं अब मान लो किसी भी चीज़ को अगर आप अनमैनेज फॉर्म में यूज करोगे या अन बोलते ना कि एक अनप्लान्ड वे में आपने यूज कर लिया तो आपको नुकसान क्या है आपको ये नुकसान है जैसे आप एक तरीके से कंसिडर करो वाटर है ठीक है आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी है अब आप वाटर को यूज़ करते हो आप क्या करते हो वाटर को यूज करते हो ना बहुत सारी हाउस होल्ड और वेरियस सर्वाइवल एक्टिविटीज के लिए अब मान लो आप जिस रिवर का वाटर यूज़ कर रहे हो उसी में ही आप नहा भी रहे हो यू आर एक्सक्रीटिंग योर फीकल मैटर जैसे गाँव वाले जिसमें लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है वहाँ आप कपड़े भी धो रहे हो ठीक है गायों भैंसों को भी नहला रहे हो कोई प्रोविजन ही नहीं कोई प्लान ही नहीं, नहीं बस अब ये इसी से ही करना है पास में इंडस् इंडस्ट्रीज है इंडस्ट्रीज का मैटर निकल के इन दी फॉर्म ऑफ वाटर आपके मेन वाटर में जा रहा है तो क्या वो वाटर अब वो हेल्दी वाटर रहेगा जो आप पहले यूज करते थे अब वो वाटर क्या हो गया कंटेमिनेट हो गया है इट इज़ फुल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज आप कह सकते हो वाटर पॉल्यूट हो गया है वाटर का पॉल्यूशन हो गया है सिमिलरली अगर आप एयर की बात करते हो तो एयर में क्या प्रॉब्लम है वही इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज का आ, आपका आ, वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मान लो कहीं पर नेचुरल कैलेमिटी आ गई वॉलो फट गया तो वॉलो फटने से जितनी भी रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं वो पानी के अंदर भी जाएंगे लैंड में भी जाएगा एयर में जाएगा तो अगर आपके इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ या आपने अपने इन्वायरमेंट के कॉम्पोनेंट्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो आप उन्ही कॉम्पोनेंट्स के साथ उल्टे चले जाओगे वो आपको हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं देने के बजाय पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट देंगे ये आप ही कर रहे हो भाई लैंड वाटर एयर तो लॉन लीवेंगे वो थोड़ी अपने आप को खुद ब खुद कंटेमिनेट कर रहा है आप उन्हें अनमैनेज अनप्लान तरीके से यूज कर रहे हो इसलिए जो रिसोर्सेज आपके लिए बेनिफिट हैं वो आपके लिए आगे चल के हार्मफुल हो जाएंगे ठीक है तो क्या कह सकते हैं इन्वायरमेंट हैज रिसोर्सेस इसको फ्लो चार्ट में लिखेंगे यूटिलाइज्ड By human beings, utilized by human beings. अब दो क्राइटेरिया हो सकते हैं इफ प्लान वे तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे बेनिफिशियल फ प्लैंड वे तो बेनिफिशियल इफ अनप्लैंड वे इफ अनप्लैंड वे हार्मुल अगर आपने रिसोर्सेस को अनप्लैंड वे में यूज किया आपने रिसोर्सेस को अनप्लैंड वे में यूज किया तो रिसोर्सेस का मतलब क्या है मेनली डील्स विद दी ऐसे ही लिखेंगे इस चैप्टर में फ्लो चार्ट में ए बायोटिक कॉम्पोनेंट ठीक है एज वेल एज बायोटिक कॉम्पोनेंट्स तो क्या हो जाएगा अगर ये जो रिसोर्सेस कंबाइनली हैं इनमें किसी भी तरीके का अनप्लैंड अनमैनेज अनलिमिटेड मैनर से यूज हुआ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पोल्यूटेड मींस देर इज एडिशन ऑफ there is some there is some addition of harmful there is some addition of harmful or unwanted substances Polluted मीन्स देयर इज सम एडिशन ऑफ harmful और अनवॉन्टेड सब्सटेंसेस नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट या नॉट गुड फॉर द components ऑफ एनवायरमेंट ठीक है स्टूडेंट्स बात समझ में आई बात क्लियर हुई अब हम लोग बात करते हैं रब इट पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पॉल्यूशन का मतलब होता है अनडि देखो आपकी बॉडी डिजीज कब होती है जब आप नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम से बाहर आ जाते हो ठीक है आपके साथ जब नॉर्मल नहीं होता तो आप कहते हो कि मैं डिजीज हो गया हूं उसी तरीके से जब पॉल्यूशन में नॉर्मल कंडीशन नहीं क्रिएट होती हैं तो वो पॉल्यूट हो जाता है पॉल्यूशन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज जैसे डिजीज में क्या होता है हमारी बॉडी का सोशल मेंटल फिजिकल हेल्थ का बिगड़ जाती है उसी तरीके से अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर लैंड वाटर, और सॉइल एजेंट्स ऐसी चीजें जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं आप उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहते हो और लेमैन लैंग्वेज में आप उन्हें हार्मफुल सब्सटेंसेस कहते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आर इन्वायरमेंट मतलब हम ह्यूमंस अपने रिसोर्सेस को इतना अनप्लैंड वे में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यूज कर रहे हैं कि जिस इन्वायरमेंट से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम उस इन्वायरमेंट के साथ ही क्या कर रहे हैं उनको हार्मुल सब्सटेंसेस भी दे रहे हैं भैया अब इंडस्ट्रीज में अगर कोई भी रिसोर्स यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि वेस्ट मैटर निकलेगा अब आप क्या करते हो लैंड में से ही यूजफुल मैटर निकाला इंडस्ट्री सेटअप कर ली ठीक है समझ लो आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी आपने धड़ाधड़ प्लांट काट दिया डिफोरेस्टेशन कर दिया वो एरिया बैरन हो गया आपने बड़ी खुशी खुशी इंडस्ट्रीज को डाला ओके नो प्रॉब्लम इंडस्ट्री जलने से इंडिया का डेवलपमेंट होगा ग्रोथ होगी एम्प्लॉयमेंट होगा पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने इन्वायरमेंट की नेचुरल ब्यूटी को ही खत्म कर दो अपनी सिर्फ सक्सेस को देखने के लिए तो वहां पर प्लांट्स को कटने के बाद जो इंडस्ट्री हमने सेटअप करी अब वो क्या करेंगी उनके अंदर कोई केमिकल प्रोसेसिंग होगी केमिकल्स कुछ उनके अंदर जो प्रोसेसिंग होगी तो कुछ अगर सबस्ट्रेट आएगा तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा स्मोक निकलेगी धुआं आपकी जो कोटा में चिमनी थर्मल पावर प्लांट है आप ना कंटिन्यूसली धुआं निकलता ही रहता है उसमें अंदर से दैट समथिंग इज गोइंग ऑन उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है आपके एयर को मिल रहा है बहुत खुशी हो रही है नहीं ये आपके लिए नुकसानदायक है अगर आपने इसको सही टाइम पर नहीं कवर uh, अप किया तो इन फ्यूचर टाइम द एयर विल गेट टू मच पोल्यूटेड यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रोपरली आप ब्रीथ करोगे ना तो आपके अंदर वो स्मोकी बैड छोटे छोटे पार्टिकल्स जाएंगे एंड दे विल सेटल डाउन इन द इनसाइड द साइड ऑफ योर लंग्स विल डेफिनेटली क्रिएट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इंडिया में टोटल फोर्टी परसेंट है तो अगर आपने एयर को और पॉल्यूट किया तो आगे चल के हंड्रेड परसेंट हो जाएगा ईच एंड एवरी पर्सन पॉपुलेशन गेट अफेक्टेड बाय सिवियर रेस्पिरेटरी डिजीज अब वो ब्रोंकाइटिस हो सकता है वो आपका सीओपीडी uh, हो सकता है वो आपका अस्व जनरली अस्थमा काफी लोगों में देखा गया है ठीक है अस्थमा का मतलब है कि जो एल्वियोलाई का एरिया है वो उतना नहीं अवेलेबल है गैस एक्सचेंज करने के लिए तो दे आर यूजिंग पंप टू गिव दैट एयर एक्सप्लिस उन एल्वियोलाई को खोलने के लिए आप ऊपर से पंप का यूज कर सकते हो तो वाई आर यूर प्रोनिंग योर बॉडी टू द एक्सटर्नल डिवाइसेज इफ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हेल्दी सिस्टम इज अवेलेबल टू योर बॉडी हम क्यों मेडिसिन पर हम क्यों बाहर के चीज़ों पर डिपेंडेंट रहे जब मेरे बॉडी में गॉड ने इतना अच्छा फिजियोलॉजिकल सिस्टम दिया है कि मेरे पास रेस्पायरेटर सिस्टम है मैं ऑक्सीजन को लेकर हार्मुल सीओ को बाहर निकाल सकती हूं और यही सीओ ग्रीन प्लांट्स को मिलेंगे जो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे अपना खाना खुद बनाएंगे आई एम एबल टू रिसाइकिल द गैस आई एम एबल टू रिसाइकिल द न्यूट्रिएंट्स इट इज मी हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पावरफुल क्रिएचर ऑफ दिस अर्थ बट स्टिल आई हैव नो राइट बट स्टिल आई हैव नो राइट टू क्रिएट है वॉक ऑफ डिजास्टर्स टू माई इन्वायरमेंट अगर मैं इन्वायरमेंट से चीजों को इस्तेमाल करती हूं मैं इन्वायरमेंट को यूज कर रही हूं तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं एक पैरासाइट बनू मैं एक पैरासाइट की तरह हो गई ना कि मैं अपने इन्वायरमेंट डिपेंडेंट हूं इन्वायरमेंट होस्ट है मैं बस लेती जा, लेती जा रही हूं लेती जा रही हूं लेती जा रही हूं पर उसके बदले उसको कुछ बेनिफिट नहीं पहुंचा रही उल्टा मैं उसको हार्म ही कर रही हूं तो एक्चुअली आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ पैरासाइट विथ रेस्पेक्ट टू माई इन्वायरमेंट ठीक है तो इसलिए इन्वाट में एक एक्ट एक निकला कि ये जो आप अनडिजायरेबल चेंजेस क्रिएट कर रहे हो ना एबायोटिक मेनली क्या है एबायोटिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हम ही तो पोल्यूशन करवा रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ही तो करवा रहे हैं ना तो हो कौन रहा है ए बायोटिक ठीक है तो इसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले कि आप अगर लैंड को यूज करोगे तो एक तरीके से यूज करोगे वाटर मतलब जहां जहां पॉल्यूशन के चांसेस हैं वहां पर रूल्स लगा दो रूल्स होंगे तो डर होगा डर होगा तो आप अनमैनेज वे में काम नहीं करोगे तो अगर हम लोग पॉल्यूशन की डेफिनेशन को देखें जो कि आप बहुत छोटी क्लासेस से देख रहे हैं पॉल्यूशन का मतलब क्या है अन undesirable अनवॉन्टेड एंड अनडिजायरेबल चेंजेस चेंजेस मतलब जो पहले नॉर्मल था अब वो नॉर्मल नहीं रहा है चेंजेस इन चेंजेस इन एयर वॉटर लैंड ट इज इंक्लूडिंग सॉई ठीक है अन वॉन्टेड एंड अनडिजायरेबल चेंजेस इन एयर वॉटर लैंड ऑफ इन्वायरमेंट